हे गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू दैट थ्री रूल्स ऑफ क्रिकेट इन हिंदी। अगर आप सोच रहे हो ये इंग्लिश में है तो आप समझ लो ये हिंदी में है, ठीक है। तो आज क्रिकेट के रूल बताऊंगा। क्रिकेट में तीन मेन चीज़ चाहिए होगी और आज की ना वीडियो में एक मेहमान भी आने वाले हैं तो उनका अच्छे से स्वागत कीजिएगा। तीन चीज़ें चाहिए होंगी। पहली चीज़ होती है एक कुर्सी ले लो या फिर एक टायर ले लो या फिर चौके जो पत्थर होते हैं उनको बराबर बराबर रख दो या फिर आप एक पत्थर लो, एक पत्थर और उस पर दीवार पे लाइन खींच दो ये, या फिर आपको एक सस्ता सुस्ता से तीन डंडे चाहिए होंगे बराबर बराबर जो कि बेस पे टिके हुए होंगे और ऊपर दो गिल्ली टाइप एक डंडे होंगे छोटे छोटे, दो डंडे या फिर एक पूरा डंडा होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्टंप्स या फिर आप कह सकते हो विकेट, ठीक है। और अब चाहिए होगी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होंगी। एक तो है ये और दूसरी है क्या बताऊँ, पहले इसको साइड में रखते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत छोटी है इस वजह से, और दूसरी चीज़ है ये। ओहो नहीं आई, ओ हमारे मेहमान आ गए अम्मा भाई। तो अम्मा भाई हमारी एक केशव की बॉल लेके आ गए। तो अम्मा भाई आप रेडी हैं क्रिकेट के रूल्स बताने के लिए? यस, सो लेट्स गो। तो इस वीडियो का पहला रूल होगा बाउंड्री या फिर आप कह सकते हो बोल्ड या फिर जो मेन मेन रूल होते हैं जैसे कि बोल्ड होगा, ये होगा, वो होगा, जो एक गली क्रिकेट में होता है। उससे पहले ये आपको बताएंगे कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स चाहिए, कितने एम्पायर चाहिए या कितने प्लेयर चाहिए, कुल मिला के कितने लोग चाहिए बताइए। हमें क्रिकेट में एक टीम में हमें 11 प्लेयर्स रखने चाहिए इन प्रोफेशनल क्रिकेट। यस, और अंपायर्स होने चाहिए तीन, दो दो कैसे, एक थर्ड अंपायर, थर्ड अंपायर के ना थर्ड अंपायर तो पीच पे। तो चलो, तो गाइस हमने ना आपस में बात सुलझाई। तो तीन अंपायर होते हैं, एक एसी में बैठा होता है जो स्क्रीन होता है आउट और नॉट आउट वाला, और एक रन पे खड़ा होता है, खड़ा होता है, और एक उधर का काम करता है जो स्टंप्स पे जो जब जब बॉल स्टंप्स कर देता है ना विकेट कीपर, तो उसमें जो थर्ड अंपायर के लिए जो जाता है वो जो जो खड़ा होता है वो एक सेकेंड अंपायर होता है जो उन्होंने बताया। फर्स्ट अंपायर वो होता है जो कि बॉलर के एकदम विकेट होता है, विकेट के पीछे एकदम, बस ऐसे होता है। तो आपस में हमने बात एक दो घंटे तक सुलझाई, उसके बाद तीन अंपायर निकल के आए, ठीक है। तो तीन चाहिए होंगे, और कमेंटेटर्स अगर आप रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते मत रखो। कमेंटेटर एक दो तीन या जितने चाहो रख लो, मतलब आपस में ज़्यादा ज़्यादातर तीन होते हैं, तीन प्रोफेशनल क्रिकेट में तीन होते हैं, तीन होते हैं। और पुराने प्लेयर्स कमेंट्री कर देते हैं कई बार। तो अब ये सब डिसाइड हो गया, तो हमें चाहिए होंगे 25 या फिर 27, 30 ऐसे करके हमें चाहिए होंगे लोग या बच्चे। अगर आप गली क्रिकेट खेल रहे हो तो 6-7 बच्चे या फिर 6-7 लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो उसके लिए उसमें क्या होता है, दो प्लेयर होते हैं या फिर एक से ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं या फिर चार होते हैं या छः होते हैं या इवन नंबर्स पे होते हैं। इवन नंबर्स मतलब ये बीच में कोई नहीं है ना उंगली, तो मतलब ये हो गए इवन, या फिर अगर ऑड होगा तो बीच में एक उंगली हो जाएगी, ये देखो ये बीच है ना, दो यहाँ, तो ये बीच की हो गई ये, तो ये होते हैं ऑड। इसमें एक क्या होता है कि ये जैसे ये दोनों हैं तो इसमें ये जो है वो कॉमन हो जाएगा, जो दोनों तरफ से बैटिंग करेगा, दोनों तरफ से बॉलिंग करेगा, दोनों तरफ से फील्डिंग करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, बाउंड्री। बाउंड्री, अब बाउंड्री जैसे प्लेयर ने बैट से बॉल मार दी और अब वो जैसे ये बाउंड्री टिप्पा खा के बाउंड्री पर लगी या बाउंड्री के बाहर चली गई तो वो फोर होगा टिप्पा खा के। और अगर डायरेक्ट
बैट्समैन ने मारी और बाहर गिरी, चाहे वो बाउंड्री के बाहर हो, स्टेडियम के ऊपर हो या कहीं भी हो, मगर बिना टिपकाए बाउंड्री के बाहर गिरी तो वो भी सिक्स माना जाएगा। मगर अगर किसी ने बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने फिर से उठाया तो और वो टाई बाउंड्री पे लग गई तो वो भी सिक्स गिना जाएगा, क्योंकि वो टिप्पा नहीं खाई, पहले ही बाउंड्री पे लग गई। और अगर अब टिप्पा खा गई फिर बाउंड्री पे लगी मगर नीचे ऐसे लगी तो ये भी फोर गिना जाएगा। डायरेक्ट अगर इस पर नहीं लगी तो फोर माना जाएगा। अगर टिप्पा खा के गई तो फोर माना जाएगा और अगर डायरेक्ट गई तो सिक्स माना जाएगा। और अब आते हैं हम अपने दूसरे रूल की तरफ, कैच आउट पे। कैच आउट थोड़े थोड़े रूल, तीन रूल बताएंगे मेन तीन। तो कैच आउट भी ये होता है बिना टिप्पा खाए बॉलर, मतलब जैसे कि मैंने शॉट मारा, मैंने यहाँ से शॉट मारा और अब इन्होंने मैंने ये देखो ये बॉल थी, बॉल लग गई और मैंने आसमान में आई। फील्डर ने पकड़ लिया तो आउट है। मगर अगर फील्डर ने पकड़ा, ऐसे ये फील्डर है, इसने पकड़ा बाउंड्री के बाहर तो सिक्सर होगा क्योंकि ये बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर बॉल गिरी और उसने बाउंड्री के बाहर कैच की तो वो सिक्सर माना जाएगा। और ज़्यादातर आप लोगों ने शायद देखा हो कि ये जैसे ये प्लेयर है और ये रही हमारी बाउंड्री, कि वो ऐसे आता है और जब बॉल आती है वो उछल के पकड़ लेता है और मतलब पकड़ ही लेते हैं, और जब वो गिरने वाले होते हैं बाउंड्री पे वो सेकंड प्लेयर को दे देते हैं। सेकंड अगर उनका पैर जो है वो बाउंड्री पे छुआ नहीं गया या तो फिर बाउंड्री के पीछे नहीं गया तो आउट माना जाएगा। और दूसरे प्लेयर ने बॉल डायरेक्ट ऊपर क्लिक गिरी नहीं और उसके बाद पकड़ी तो आउट माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जैसे कि हार्दिक पांड्या ने किया, ये जैसे कि ये जो है वो बाउंड्री है, बॉल यूं पकड़ा गिरने वाले हैं उछाल दी और दूसरे प्लेयर ने पकड़ ली बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के अंदर जहाँ फील्ड है वहाँ पे पकड़ ली, वो आउट माना जाएगा। और अगर पीछे और तो अब एक बार आपने देखा होगा शायद 2018 में एबी डिविलियर्स का, उसने पकड़ी बॉल आसमान में तो उछल के बॉल पकड़ी और उसका पैर बाउंड्री पे नहीं गिरा, बाउंड्री पे साइड पे हुआ और वो बाउंड्री पे अगर नहीं गिरा तो सिक्स होगा। और अगर गिरा तो सिक्स होगा। और एक बार हुआ था शायद 2013 या 12 में, ब्रावो ने चेन्नई की टीम के ब्रावो ने बॉल पकड़ी और वो बाउंड्री पे गिर गया, बाउंड्री के पीछे गिरा तो वो भी सिक्स माना जाएगा। मगर अगर उसने बॉल पकड़ी और वो गिरा मगर उसने बाउंड्री को नहीं छुआ तो ये आउट माना जाएगा। तो आ जाते हैं अब हम अपने थर्ड रूल पे जो कि है रनआउट। अब रनआउट होता है कि बैट्समैन ने बॉल मारी और वो पीछे फील्डर ने पकड़ ली टिप्पा खाने के बाद और अगर वो और उतने में प्लेयर भाग गया और दौड़ गया, प्लेयर दौड़ गया, दो प्लेयर्स होते हैं, एक स्ट्राइकर होता है और एक नॉन स्ट्राइकर। तो अब दोनों भाग गए, दोनों भागते भागते उसने जो पहला और इनमें से एक प्लेयर ने इधर जाने वाले में जो बैट जो स्ट्राइक पे था उसने बाउंड्री को टच नहीं किया, जो लाइन होती है ना वाइट कलर की जो चूने से बनती है उसको कहते हैं क्रीज। उसको क्रीज को टच नहीं किया, फील्डर ने पहले ही बॉल मार दी तो वो आउट होगा, वो रन आउट कर रह जाता है, तो रन और फिर वो आउट हो जाता है तो रन आउट। तो और फिर आते फिर वो अगर फिर से बैट्समैन ने बॉल मारी और फील्डर ने पकड़ ली, अब बैट्समैन इधर दौड़ रहा है इधर दौड़ रहा है, जो इधर दौड़ रहा है उसने क्रीज पे तो बैट टक दिया
पर उसका बैट जो है वो क्रीज के अंदर नहीं गया और क्रीज पे रखा गया। क्रीज पे मतलब ये क्रीज है तो उसका बैट यहीं पे रखा यहीं पे रखा गया, क्रीज पे अंदर नहीं गया, अंदर नहीं गया, रखा गया नहीं गया यहाँ, तो वो भी आउट होगा, आउट होगा क्योंकि बॉल देखो भाई दो डंडे मैंने बताया दो डंडे होते हैं, अगर वो गिर गई तो वो आउट माना जाएगा और अगर वो नहीं गिरी वो उछल के वापस से विकेट पे लग गई तो वो नॉट आउट माना जाएगा। यही सेम चीज बॉल पे भी होती है कि अगर विकेट को लग गई बॉल और गिल्ली नहीं गिरी तो वो आप बहुत ही ज्यादा लकी इंसान हो क्योंकि वो नॉट आउट माना जाएगा, और अगर बेल्स गिर गई तो आई एम सॉरी वो आउट माना जाएगा। और अब अगर बैट्समैन का वही हुआ फिर से और बैट्समैन का बैट अंदर है, अंदर है कोई भी बॉडी पार्ट अंदर है, भी बॉडी पार्ट अंदर है तो वो आउट माना जाएगा और नॉट आउट माना जाएगा, नॉट आउट माना जाएगा। अब लग एक वो होता है कि बहुत वो मुश्किल होता है देखना है जब हम गधी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, सेम प्रोसेस हुआ और बैट्समैन का बैट हवा में रहा और बॉलर ने बॉल फील्डर ने बॉल मार दी विकेट पे तो वो भी आउट माना जाएगा। अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट अंदर नहीं हुआ आसमान में हुआ मतलब आउट माना जाएगा, हवा में हुआ तो आउट माना जाएगा। देखो ये एक रूल होता है गली क्रिकेट में कि एक ही बैट्समैन होता है जो कि स्ट्राइकर होता है, वो भाग गया, भागते वक्त यहाँ पे बॉल है तो उन्होंने क्रीज यहाँ ये वाली क्रीज में पहुँचने से पहले उधर बॉल मार दी तो वो भी आउट गिना जाता, पर ऐसा नहीं होता, वो जहाँ पे भाग रहा है वहीं पे बॉल को मारनी होती है। ठीक है, और ये तो दो प्लेयर्स होते हैं तो हम दोनों जगह पे कहीं भी मार, दोनों जगह पे कहीं भी मार सकते हैं। और देखो ये दो होते हैं तो अगर ये स्ट्राइकर है और ये नॉन स्ट्राइकर है तो अगर कोई नॉन स्ट्राइकर की तरह भाग रहा है और वहाँ बॉल लगी तो वो जो नॉन स्ट्राइकर की तरह भाग रहा है वो आउट माना जाएगा क्योंकि वो नहीं पहुँचा, वो नहीं पहुँचा। और अब हम इस वीडियो को यहाँ पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और रूल्स बताएंगे LBW जैसे वैसे और रूल्स बताएंगे। ओके बाय बाय। उससे पहले ये थे हमारे गेस्ट और ये गेस्ट थे और ये पूरी सीरीज़ में हमारा साथ देंगे तो इनके लिए भी ताली हो जाए क्योंकि इन्होंने बहुत समझाया रूल्स। तो ओके देन, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय गाइस।